इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा 18,000 करोड़ रुपया रेज किया गया है एक कंपनी के द्वारा FPO के जरिए, जिसकी इशू प्राइस रखी गई 11 की और आज लिस्ट हुआ 11.80 रुपये पे, मतलब 7.27% के प्रीमियम पे। और मज़ेदार बात यह है कि कंपनी का जितना मार्केट कैप है उसका 27% जितना फंड रेज किया गया है। अब इतने से इन्फॉर्मेशन से आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह FPO के बाद जब वो लिस्ट हुआ तो वहाँ पर उसकी ट्रेडिंग भी रुक गई। तो क्या था कारण, उसके बारे में भी बात करेंगे। FPO से फंड जो रेज हुआ है इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में ये जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसमें एक कंडीशन है कि वो अगर फुलफिल हो गई तो बहुत ही भयंकर वाला गुड न्यूज़ होने वाला है। तो ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिएगा, क्योंकि आप सब पैसा लगाना चाहते हैं, पेनी स्टॉक रहता है तो आप और भी ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, बट सिर्फ लोगों के बाय सेल के टिप्स पे पैसा लगाते हैं और फिर जब वो स्टॉक गिर जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप हर एक एस्पेक्ट्स को समझेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और डाउट क्लियर हो जाएगा तो फिर अगर कोई भी चीज़ का बाय सेल करते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होता है आपने क्या किया है, क्यों किया है और कंपनी कितना टाइम फ्रेम लगाएगी किसी टारगेट तक पहुंचने में। बराबर है ना? तो हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए प्रभु, खूब बढ़िया बढ़िया न्यूज़ देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको क्या लगता है, वोडाफोन आइडिया सच में मल्टीबैगर बनेगा? पहले आप बताइएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं ये बताने वाला हूँ तो आपकी बात मैच हो पाएगी। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार है, जल्दी से कीजिए। तो सबसे पहले क्विकली समझ लेते हैं FPO को, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, IPO की तरह। डिफरेंस क्या है, IPO तब आता है जब कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही होती है, और FPO किसका आता है, जो कंपनी पहले से लिस्ट होती है। तो वोडाफोन आइडिया पहले से लिस्ट है, ठीक है। और फंड रेज की बात सालों से चल रही थी, क्योंकि बहुत सारा कर्ज था, कर्ज चुकाना था, बट यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट है। तो 40,000 करोड़ फंड रेज की बात हो रही थी, बट फाइनली अभी FPO आ गया और FPO में 6.45 times सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब अगर कंपनी के ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर आप यही देख सकते हो कि अगर 6.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह है कि इतने सारे लोग पैसा लगा रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भरोसा होना एक बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। जिसमें से अगर कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा 35% का अलॉटमेंट रिटेल को मिला है, उसके बाद 28% एंकर इन्वेस्टर को और बाकी का QIB और HNI इन्वेस्टर है। इसमें सबसे मजेदार बात क्या है कि टोटल फंड रेज में 2000 करोड़ रुपया के मंगलम बिरला ने डाला है, मतलब प्रमोटर का विजन बड़ा है तभी उन्होंने पैसे डाले, क्योंकि इतने टाइम फ्रेम में प्रमोटर ने कभी पैसा नहीं डाला, हमेशा बातें की थी। तो ये दूसरा फैक्टर बन गया कि अब फाइनली कुछ ऐसा वो कर रहे हैं, तभी 2000 करोड़ का जुआ खेला है। जुआ खेला क्योंकि अगर कंपनी बहुत कुछ कर लेगी तो वो हम लास्ट में आएंगे। पहले भी वोडाफोन आइडिया ने फंड रेज किया, बट हमेशा इससे पहले जब फंड रेज होता था तो वो पैसा कर्ज चुकाने के लिए होता था, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो फंड रेज हो रहा है, जो FPO से पैसे आ रहे हैं, वो कंपनी के प्लान में जाएंगे, फ्यूचर ग्रोथ में जाएंगे। इसमें से 18,000 करोड़ में से 12,750 करोड़ कंपनी अपने नेटवर्क इंफ्रा को एक्सपेंड करने के लिए करेगी और 4G और 5G साइट को डेवलप करेगी। 5G ये लाए नहीं थे, है ना? तो अब ये क्या करेंगे, 5G को लाएंगे, और इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, जो पहले से 5G ला चुके हैं उन्होंने जो गलती की है वो गलती ये नहीं करेंगे। इनको बहुत सारा आइडिया होगा, तो दूसरे प्लेयर से इनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हो गया तीसरा ग्रोथ फैक्टर कि 5G लाएंगे, राइट है, और अभी जमाना ही 5G का है। तो अब ये हो गया FPO से रिलेटेड पूरा कहानी कि पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, प्रमोटर ने भी पैसा डाल दिया है, राइट है। वहाँ पर हम चार्ट पे देख लेते हैं, ये वोडाफोन आइडिया का चार्ट है, और अगर आप वोडाफोन आइडिया के चार्ट पे नज़र डालोगे तो अगर आप गौर करो तो ये, और ये क्या हुआ, पूरा सपोर्ट जोन हो गया। तो इस पूरे सपोर्ट जोन में मार्केट अभी तक, ये दिसंबर का टाइम फ्रेम है और ये हम अप्रैल में खड़े हैं, इस सपोर्ट जोन को अभी तक नहीं तोड़ा है। तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि टेक्निकल लेवल पे ये जो पूरा सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है, ये भगवान ना करे कि टूटे, क्योंकि ये अगर लेवल नहीं टूटता है तो टेक्निकल लेवल पे बहुत ही साउंड रहेगा। और वहीं पे ऊपर का जो ये रेसिस्टेंस लेवल है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसको ब्रेकआउट दे जिससे कि इसमें पावर जनरेट हो। तो ये है पूरा डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, जिसको अगर आप हमारे लर्न विद मुकुल अग्रवाल वाले चैनल को सब्सक्राइब किए होगे
तो अभी तक एपिसोड 20 तक रिलीज हो चुका है और उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने यहाँ बना रखी है, तो वो पूरी 20 वीडियो यहाँ दिखेगी और ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और आप इंस्टाग्राम पे हमसे क्वेरी भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल का और इंस्टाग्राम का, जहाँ पे हम चाहेंगे आप ज़रूर सीखें और लोगों के साथ शेयर भी करें। तो वहाँ पर ये कहानी इसके चार्ट जोन की है। यहाँ पर दो तीन ट्विस्ट, एक तो टेक्निकल लेवल पे, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो मैंने बताया कि मैं लास्ट में बताऊंगा, और वो इस टेक्निकल से रिलेटेड है। मज़े की चीज़ क्या है, इस टेक्निकल से रिलेटेड है। तो ये था इसका टेक्निकल। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, अभी तक मैंने डिसीजन नहीं बताया, वो डिसीजन पे आऊँगा। बट उससे पहले आज सुबह 10 बजे कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी, और ये गड़बड़ी ट्रेडिंग सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से हुई थी। तो ये जो कुछ देर के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी, यहाँ तक कि कुछ पेंडिंग ऑर्डर भी कैंसिल कर दिए थे, तो एक्सचेंज ने ये बताया था, जिसके कारण काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी। फिर बाद में ट्रेडिंग सामान्य रूप से शुरू हुई। तो आप में से कोई ऐसा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं उस टेक्निकल के पार्ट पे जो हमने कहा था, एक रिपोर्ट से रिलेटेड है। IIFL की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2024 में MSCI इंडेक्स में ये शेयर की एंट्री हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो नई खरीदारी देखने को मिलेगी। वहीं पर क्वांट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक FPO के बाद वो भी कह रहे हैं कि अगस्त वाला जो रिव्यू होगा उसमें ये आ सकता है। वहाँ पर एक पॉइंट ये है कि अगर ये 14 रुपये के ऊपर रहता है तो MSCI इंडेक्स में शामिल होने का प्रबल दावेदार बन सकता है। इसका रीज़न यह है कि शेयर में 27 से 28 करोड़ अमेरिकी डॉलर की खरीदारी होगी। ये रकम पता है कितनी हुई, 2200 से 2300 करोड़ के करीब, यानी एक बहुत अच्छा बूस्ट क्रिएट कर सकता है। बट 14 रुपये से ऊपर, ये मैं नहीं, रिपोर्ट कह रही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये इस तरीके से एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ की कहानी है। अब मैं पूरी समरी अपनी भाषा में बताता हूँ। देखो, प्रमोटर ने पैसे लगा दिए, वेरी गुड। कंपनी 5G में आएगी, वेरी गुड, ठीक है। बट एक्चुअली जो इनका सब्सक्राइबर बेस लॉस्ट होता जा रहा है, खोता जा रहा है, उसको सुधार करना बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। दूसरा, यहाँ पे एक डेटा है Q3 फाइनेंशियल 2024 का। एयरटेल का ARPU 208 है, जियो का 181.7 है, और वोडाफोन आइडिया का 145 है। और ARPU जिस भी कंपनी का अच्छा होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इसका फुल फॉर्म हुआ, वो बहुत अच्छा होता है। और आप अगर आप कई बार भारतीय एयरटेल के प्रमोटर का स्टेटमेंट वगैरह सुनते होगे, तो वो 208 रुपये के ARPU से भी खुश नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि मुझे इसको बढ़ाना है। दैट्स द बिग रीज़न भारतीय एयरटेल एक बेहतरीन शेयर बनकर हमेशा निकला है, और वो जियो मार्केट में होने के बाद भी दूसरों का बंटाधार कर दिया, बट भारतीय एयरटेल का बंटाधार कभी नहीं कर पाया, बल्कि भारतीय एयरटेल ने जबरदस्त टक्कर उसको दी है। तो वहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है ARPU को बढ़ाना। उसको किस तरीके से बढ़ाएंगे, ये तुरंत में नहीं होने वाला है। अब इस वर्ड को आप ऐसे रिलेट करें कि बहुत बार इससे पहले फंड रेज हुए हैं, बट बस अलग बात वहाँ पर ये थी कि वो डेट को पे किया गया है। बट ओवरऑल आज भी आप देख लो तो कई बार इसके मल्टीबैगर बनने की बात की गई, बट मल्टीबैगर बन नहीं सका। यस बैंक पे अगर नज़र डालते हो, यस बैंक में भी बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, सालों से काम हो रहा है, बट लोग सोचते थे यस बैंक अब 200 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, आज तक नहीं आ सका, क्योंकि इंटरनल बहुत लंबा जर्नी तय करना है। सेम कहानी वोडाफोन आइडिया को है, इसे एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी है जिस पे ये वर्क करेंगे, और वो वर्क करेंगे तब एक अलग दुनिया में जाएगा। इस वर्ड पे तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ कि अभी जहाँ भी आप सुनोगे हर कोई आपको ये एडवाइस दे रहा है, खरीद लो मल्टीबैगर बनेगा, ये है वो है, प्लीज़ ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक, मैं साफ बोलता हूँ। और पेनी स्टॉक का क्या मतलब है, उतना लो कि पैसा डूब जाए तो भी तकलीफ ना हो। इससे सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि आप किसी भी बिग इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो भी देखोगे ना, वो पेनी स्टॉक अगर उनका इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का है तो 2-5 रुपये का पेनी स्टॉक रखते हैं कि वो डूबे तो तकलीफ नहीं होती। बट हमारे इंडिया में रिटेल भाइयों के साथ क्या होता है, 95 रुपया रहता है पेनी स्टॉक, 5 रुपया रहता है बढ़िया स्टॉक, यहाँ पर उनका पैसा डूब जाता है। तो दैट इज़ द पार्ट जहाँ पे हमें इस तरीके से अगर ट्रीट करते हैं, जब हम ऐसे सोचते हैं, जब इस तरीके सोचते हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस बदलता है। और हम जानते ठीक है कंपनी अच्छा कर रही है, सब कुछ अच्छा है, शॉर्ट टर्म में न्यूज़ है, ब्रेकआउट होगा तो आप टेक्निकल लेवल पर ब्रेकआउट कर लो, बट विजन लॉन्ग टर्म 5 साल 7 साल, रातों रात कुछ नहीं होगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन साफ स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर होगी, और जो वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था कि लास्ट तक सुनोगे तो एक विजन मिलेगा, सोच मिलेगी, दिशा मिलेगी, तो वो आपको ज़रूर मिली होगी। तो थैंक यू सो मच, बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए।